So, hey guys, what is up? My name is Aman Joshi and I welcome back all of you in my YouTube channel Coding World. तो आज का आपने थंबनेल देख ही लिया होगा. जी हाँ, हम बात करने वाले हैं R प्रोग्रामिंग पे. ठीक है, आपने बहुत सारी टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी होगी. पाइथन पढ़ी होगी, जावा पढ़ी होगी, सी पढ़ी होगी, सी प्लस प्लस पढ़ी होगी, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस पढ़ी होगी. लेकिन जब भी कभी बात आती है डेटा एनालिसिस पे, डेटा क्लीनिंग पे या डेटा प्री प्रोसेसिंग पे, ठीक है, आर लैंग्वेज भी कहीं पीछे कम नहीं रहती. ठीक है, अब जिनको पता है कि आर लैंग्वेज किस लिए यूज़ होती है, बहुत बढ़िया. जिनको नहीं पता कि आर किस लिए यूज़ होती है, कोई बात नहीं. ठीक है, आज की ये वीडियो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो एवर होने वाली है. ठीक है, इस पूरी वीडियोज़ में, यानी कि इस पूरी प्लेलिस्ट या सीरीज़ में हम बात करेंगे आर प्रोग्रामिंग की, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की. ठीक है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है, इस पूरी प्लेलिस्ट को देखने के बाद आप कम से कम ये जरूर कह पाओगे कि आप आर प्रोग्रामिंग में इंटरमीडिएट लेवल पर हो. ठीक है, सो प्लीज़ इस पूरी प्लेलिस्ट को देखना. अगर आप कॉलेज में हो, अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हो, देखो मिनिमम इसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आप क्लास ट्वेल्थ में होने चाहिए. तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने अपने कोडिंग वर्ल्ड की ब्रांडिंग कर रखी है. ठीक है, एंड यहाँ पर हमने अपना टाइटल लिख रखा है आर प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो इस आर प्रोग्रामिंग के सीरीज़ में हम क्या क्या देख रहे होंगे, हम देख रहे होंगे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे. ठीक है, और थ्योरी के साथ साथ ही हम उसको कोडिंग में इंप्लीमेंट भी करेंगे. ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हो, कोडिंग वर्ल्ड प्रेजेंट्स आर प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो इसमें हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ चलते हैं. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्चुअली में आर क्या होती है. ठीक है, और क्यों, व्हाई. देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, कि क्यों आप उस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हो, क्या उसकी ज़रूरत है, और अगर उसकी ज़रूरत है तो कितनी है. ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए. तो इंट्रोडक्शन में हम आर के बारे में जानेंगे कि डेप्थ में, कि आर एक्चुअली में क्या है. ठीक है, और कब स्टार्ट हुई थी, या फिर दूसरी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में क्या इसको हमें यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बेसिक सिंटैक्स और डेटा टाइप्स को. इसमें मैं आपको पहले थोड़ा सा हल्का सा थ्योरी पढ़ाऊंगा, और थ्योरी पढ़ाते के साथ जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होगी हम सीधा कोडिंग अप्रोच देखेंगे. ठीक है, तो इस पूरे प्लेलिस्ट में हम यही करेंगे, पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे हल्का सा, और उसके बाद सीधा कोडिंग पे जंप करेंगे. ठीक है, बिकॉज एट द एंड हमको पता है कि यार रियल में इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन जो है किसी भी चीज़ का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू थ्योरी नॉलेज. ठीक है, थ्योरिटिकल नॉलेज अच्छी बात है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. उसके बाद अगला जो हमारा है टेबल ऑफ कंटेंट में, वो होगा डेटा स्ट्रक्चर्स. हम जानेंगे कि आर के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं. ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब आपको हल्का सा बेसिक मतलब पता होगा कि हम किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, और उसको फॉर्मेट सीक्वेंस में लाने के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बेसिक ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स. उसके बाद इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा फ्रॉम फाइल्स. ठीक है, फाइल से कैसे डेटा उठाना है, कैसे उस पर काम करना है. ठीक है, ये सारी चीज़ देखेंगे. उसके बाद अगला हमारा टेबल ऑफ कंटेंट में है बेसिक डेटा प्रोसेसिंग. देखो, डेटा प्रोसेसिंग यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, कहने का मतलब आपने कोई भी डेटा, आपके पास रॉ डेटा है, ठीक है, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया किस में, किसी भी आपकी नेसेसरी कंडीशन. ठीक है, जो भी आपको मतलब करना था उस पे काम, उसमें आपने उसको कन्वर्ट कर दिया. उसके अगला हम देखेंगे बेसिक डेटा विजुअलाइजेशन. जब भी बात डेटा विजुअलाइजेशन की आए तो समझ लेना बात हो रही है ग्राफ्स की. ठीक है, बिकॉज देखो यार, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में डेटा विजुअलाइजेशन, अगर आप प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में हो तो मोस्ट प्रोबेबली हम ग्राफ्स की ही बात कर रहे होते हैं. देखो, यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन में मैं एनिमेशन की बात नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, अभी आपको पता है कि यार ये डेटा एनालिटिक्स में हम आर का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो उसमें ग्राफ्स की ही बात होंगी, कैसे आप अपने रॉ डेटा को किस में कन्वर्ट करोगे, ग्राफ्स में कन्वर्ट करोगे, एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे. ठीक है, ये हम कुछ इसमें देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस इन आर. जैसे कि आपने देखा होगा डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसे पाइथन हो गया. ठीक है, अगर आई होप अगर आप क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं तो आपने पाइथन पढ़ी होगी. अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो भी ये प्लेलिस्ट आपके लिए है. ठीक है, मैं जानता हूँ आर प्रोग्रामिंग कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट. ठीक है, या तो इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है या तो कोई नॉर्मल सब्जेक्ट होता है, बट आपको ये आना चाहिए अगर आप आगे AI ML की फील्ड में घुस रहे हो. ठीक है, बिकॉज हमको पता है यार AI ML की फील्ड में हमको क्या चाहिए, रॉ डेटा को किस में करते हैं हम, मतलब कन्वर्ट करते हैं ना, जैसे कि डेटा क्लीनिंग हो गया, ठीक है, प्रोसेसिंग हो गया, एंड अदर थिंग्स हो गई. ठीक है, तो उसी तरह हम इसमें फंक्शंस बनाना सीखेंगे. आगे बढ़ते हैं.
अगले स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि हमको क्या करना है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहने का मतलब कुछ नहीं, इफ फॉर एल्स, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट्स होती है हमारी कंट्रोल बेस्ड स्टेटमेंट्स, ठीक है, जैसे वाइल हो गई, ये हम देख रहे होंगे, लेकिन आर में इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी देखेंगे। अगला हमारा पॉइंट होगा वर्किंग विद पैकेजेस, ठीक है, कैसे हम क्रिएट करें पैकेजेस को, ठीक है, क्रिएट करें, और या फिर जो हमारे ऑलरेडी क्रिएटेड हैं उनको कैसे इंपोर्ट करें, ठीक है, इंपोर्ट करें, ये सारी चीज़ें हम अपने इस प्लेलिस्ट के सीरीज़ में देख रहे होंगे। और एट लास्ट, ठीक है, लास्ट में जो आखिरी वीडियो होगी इस पूरी प्लेलिस्ट की, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन, न्यूमरस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मे बी 20-30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ इनमें जैसे जैसे हम क्लियर कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कंप्लीट करा, उसके जस्ट बाद मैं उसकी कोडिंग अप्रोच भी आपको दिखाऊंगा, यानी कि इसमें भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, इसमें भी क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ जो लास्ट वीडियो होने वाली है उसमें तो क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बिना टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले तो PPT देखो कितनी सुंदर लग रही है, तो इसके लिए यार एक लाइक एक शेयर तो बनता ही है, ठीक है, और अगर आपको वीडियो लगे कि ये हाँ वैल्यूएबल है तो प्लीज़ यार डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है इंट्रोडक्शन, व्हाट इज आर। देखो आर क्या है, देखो आर एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का मतलब आप आर को इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, इजीली डाउनलोड कर सकते हो, किसमें, अपने पीसी में, ठीक है, और इसको आप ऑफलाइन मोड में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आपको कोई भी पेड, यानी कि आपको इसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, लाइक अदर लैंग्वेजेस। जैसे कि आपको पता होगा, आपने पाइथन अगर पढ़ रखी है तो पाइथन भी एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसे ही अदर लैंग्वेजेस हैं जो C++, ठीक है, ये भी उसी तरह आर भी एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर स्टैटिकल एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन। देखो आपने एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी, कभी भी अगर आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायग्राम में घुसने वाला हूँ, बिकॉज देखो ये जैसे कि आर का सिंबल है, आप यहाँ पे ये सिंबल देख पा रहे हो, ठीक है, तो आर सीखने की ज़रूरत क्या है, लोग ऐसा बोलते हैं कि यार अगर आपने पाइथन सीख ली ना, अगर आपने पाइथन सीख ली तो आपको आर सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो गाइज अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यार आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज ध्यान से सुनना, कभी भी स्टैटिकल एनालिसिस की बात आ जाती है, स्टैटिकल एनालिसिस का एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल, यानी कि जो कहते हैं ना ABCD, किसी भी सेंटेंस का जो फॉर्म, जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो हमें ABCD आना चाहिए, उसी तरह अगर स्टैटिकल एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें सबसे जो इसकी ABCD है उसको हम बोलते हैं मीन मीडियन, ठीक है, मीन मीडियन और मोड, गलती से मैंने ये लगा दिया फंक्शन का साइन, मीन मीडियन एंड मोड, ठीक है। ये काम आप पाइथन से भी कर सकते हो, लेकिन ये काम आप आर से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर आर में स्टैटिकल फंक्शंस जो हैं वो बहुत सारे हैं, स्टैटिकल लाइब्रेरी जो है आर की वो बहुत वास्ट है एज़ कम्पेयर टू पाइथन, इसीलिए आज भी आर को यूज़ किया जाता है। आप कभी भी कंपनी के डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो वहाँ पर उन्होंने लिखा रहता है पाइथन और आर। मैं ये नहीं कह रहा पाइथन आर आउटडेटेड है या फिर पाइथन बहुत ज़्यादा एडवांस है एज़ कम्पेयर टू आर, पाइथन बिल्कुल एडवांस है, लेकिन जब बात आएगी किसमें, स्टैटिकल एनालिसिस की, जब भी कंपनी को स्टैटिकल एनालिसिस की बात आएगी तो कहीं ना कहीं आर जो है वो थोड़ा सा डोमिनेंट फैक्टर में रहता है, यानी कि अगर आर की वैल्यू 1 है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पाइथन की वैल्यू 1 है तो आर की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, ठीक है, 1.5 हो जाएगी, जब भी बात किसकी आएगी, स्टैटिकल एनालिसिस की, याद रखना ये बात, ठीक है। इसको डेवलप किया गया था रॉस इहाका ने एंड रॉबर्ट जेंटलमैन ने, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ यार माफ़ कर देना, ठीक है। और ये कहाँ इन्होंने बनाया था, न्यूजीलैंड में ऑकलैंड के अंदर, ठीक है, न्यूजीलैंड के अंदर एक जगह है ऑकलैंड, वहाँ इसको डेवलप किया गया था। अब हिस्ट्री ऑफ आर के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, इसको ओरिजिनेट करा था 1990s के टाइम पे, ठीक है, और पहले इसका नाम था एस, यानी कि अभी इसका फॉर एग्जांपल नाम क्या है, आर प्रोग्रामिंग, तो पहले इसका नाम था एस प्रोग्रामिंग, ठीक है, बाद में इसको एस प्रोग्रामिंग से आर कर दिया गया, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, हैज़ ग्रोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज फॉर डेटा एनालिसिस। देखो तो अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि आर को यूज़ करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए, और डेटा एनालिसिस में भी अगर मैं सबसे बेसिक पॉइंट बोलूँ तो किस लिए, डेटा क्लीनिंग हो गया, ठीक है, डेटा क्लीनिंग हो गया, डेटा प्री प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है, इसी तरह बहुत सारी जितने भी आप डेटा के साथ
वो कर सकते हो, डेटा मैनिपुलेशन हो गया, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन कहने का मतलब डेटा को आप चेंज कर रहे हो किसी डिफरेंट फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये होता है आर, मेनली आर इसी के लिए बनी है, ठीक है। और आर का सेकंड कोई ऐसा यूज़ नहीं है एज सच, ठीक है। बट आज भी डेटा एनालिसिस में आर जो है वो डोमिनेंट फैक्टर में है, ठीक है। देखो गाइज, यहाँ पर ना हम जो ये चीज़ें हैं ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसीलिए इस पर इतना ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं, बिकॉज़ यार मेरा मेन मोटिव हमेशा से प्रैक्टिकल ही रहा है। वो किसी भी चीज़ का आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू उसके थ्योरी नॉलेज गैदर करते जाओ करते जाओ। थोड़ी सी करो अच्छी बात है, ज़्यादा मत करो, ठीक है। ज़्यादा करना है प्रैक्टिकल करो। तो यहाँ पे एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ पैकेजेस होगा फॉर वेरियस स्टैटिकल टेक्निक्स। वेरियस स्टैटिकल टेक्निक्स कहने का मतलब आपने शायद पढ़ रखा होगा डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। और एक और टाइप का स्टैटिक्स होता है क्या, इन्फेरेंशियल, इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो कोई बात नहीं, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ हल्का हल्का सा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के अंदर आता है मीन, मीडियन, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था आपका क्लास 12th तक पढ़ा होना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आपको मीन, मीडियन और मोड के बारे में थोड़ा अच्छे से पता हो, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला नहीं कह रहा हूँ, उनके बारे में हल्का सा पता हो, ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे काम चल रहा होता है, ठीक है। इसी तरह इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स की बात करें तो इसमें कोरिलेशन, ठीक है, इसमें आप कोरिलेशन फाइंड करते हो और साथ ही साथ आप क्या करते हो, रिग्रेशन एनालिसिस करते हो, ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस करते हो। देखो यार, ये आर का पार्ट नहीं है, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ना आपको, ये आर का पार्ट नहीं है, स्टैटिकल, स्टैटिकल के अंदर आता है, ठीक है। तो आपको ये सब खुद से पता होना चाहिए, बट अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट डाउन कर देना। और मेनली ये सब आप किस में अप्लाई करते हो, आप भी जानते हो यार, कोई आपके पास टू वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, दो वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में ये सब चीज़ें अप्लाई हो रही होती हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा और मोर, ठीक है। अगले वाले पे बात करते हैं, हाईली एक्टिव कम्युनिटी कंट्रीब्यूटिंग पैकेजेस एंड सपोर्ट। देखो आर की जो कम्युनिटी है ना, आर की कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो आप गूगल पे जाके आर कम्युनिटी सर्च कर सकते हो, आपको समझ आ जाएगा कि वहाँ पे क्या होता है। वहाँ पे ना सारे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, नए नए पैकेजेस बनाते हैं खुद से और उसको प्रोवाइड कर देते हैं दूसरों के लिए, ताकि आप भी यूज़ कर सकते हो, आपको बार बार चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रोबस्ट ग्राफिकल कैपेबिलिटीज़ फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। देखो यहाँ पे रोबस्ट ग्राफिकल कैपेबिलिटीज़ कहने का मतलब, यहाँ पे जब आप डेटा विजुअलाइजेशन पे काम कर रहे होंगे, यानी कि ग्राफ फॉर्मेशन पे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो ग्राफिक्स हैं वो काफी अच्छे लेवल के बिल्ड इन्होंने कर रखे हैं, ठीक है। अगले वाले की बात करते हैं, इंटरएक्टिविटी विद अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, पाइथन। आप आर को जो है वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ अटैच कर सकते हो, ठीक है, जैसे सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, पाइथन हो गया, और भी बहुत अदर लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फटाफट एप्लीकेशंस की। आर जो है वो किस लिए काम आता है, डेटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग के, ठीक है। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपके पास रॉ डेटा होगा, आप उसको चेंज करोगे किस फॉर्मेट में, जिस भी फॉर्मेट में आपको उस डेटा को चेक करना है, देखना है, समझना है, उससे कोई प्रिडिक्शन करने हैं, ठीक है, कोई चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी है उस डेटा से, तो वो सब आप इससे कर सकते हो, ठीक है। स्टैटिकल मॉडलिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, या हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स के अंदर ही आता है। स्टैटिकल मॉडलिंग का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अगर आपके पास डेटा गिवन है, आपको उसका मीन, मीडियन, मोड निकालना है, तो वो कहीं ना कहीं स्टैटिकल टेक्निक्स के थ्रू ही होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे मशीन लर्निंग एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस। आप आर से मशीन लर्निंग और प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी कर सकते हो गाइस, ठीक है, ये पॉसिबल है आर लैंग्वेज से भी। उसके बाद देखते हैं डेटा विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। मैं इसके बारे में ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, ये ग्राफ वाला ही सीन है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो ये थ्योरेटिकल पार्ट है यार, इसको ज़्यादा समझना आपको, मतलब याद रखना जरूरी नहीं है, बस एक बार हल्का सा समझ लो क्या है। अब बात करते हैं कंपैरिजन की, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपकी कंपैरिजन करवा चुका हूँ आर का, कंपैरिजन विद अदर लैंग्वेजेस। अगर हम बात करें कंपैरिजंस की, तो आर वर्सेस पाइथन, आर वर्सेस पाइथन में अगर हम देखें, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आर इज़ ऑफन प्रिफर्ड फॉर स्टैटिकल एनालिसिस। जब भी आपकी बात स्टैटिक से रिलेटेड आएगी, स्टैटिक से रिलेटेड आएगी, तो आर को ज़्यादा प्रिफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू पाइथन। क्यों? बिकॉज इसके स्टैटिकल पैकेजेस जो आर के अंदर हैं, ठीक है, स्टैटिकल पैकेजेस जो आर में हैं, वो कहीं गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाइथन, ठीक है। डेटा टास्क वाइल पाइथन इज़ फेवर्ड फॉर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन विद वेब एप्लीकेशंस। देखो पाइथन का यूज़ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है, वेब एप्लीकेशन से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, और डिफरेंट अदर थिंग्स के लिए भी किया जाता है। लेकिन जब स्टैटिकल एनालिसिस की बात आएगी, आपको डेटा के साथ कुछ भी काम करवाना है, उसको प्री प्रोसेसिंग करवानी है, क्लीनिंग करवानी है, तो पाइथन से ज़्यादा अच्छा आप उसको आर में कर सकते हो, नॉट अ बिग डील,
पाइथन में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है पाइथन में नहीं कर सकते। आर वर्सेस सेस SPSS, ठीक है। ये सेस का मतलब होता है स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये देखो, ये अदर कंपनीज ने इसको बिल्ड करा था ताकि आप स्टैटिकल फंक्शन जो हैं, स्टैटिकल मेथड जो हैं, उनको यूज़ कर सको, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, आर इज़ ओपन सोर्स एंड हाईली एक्सटेंसिबल। आर जो है वो बिल्कुल फ्री है, वेयर एज जो ये सेस और SPSS हैं, ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जिसमें कि ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है। इसमें भी ये जैसे ये ऐसे देखो, ये SPSS है, इसकी मेरे को फुल फॉर्म अभी याद नहीं आ रही, बट ये IBM ने क्रिएट करा था, ठीक है। IBM ने किस लिए करा था, इसको भी स्टैटिक्स के लिए ही बनाया था, लेकिन ये जो हैं ये कमर्शियल हैं, आपको इनके पैसे देने पड़ेंगे। यही स्टैटिक्स आप R में भी कर सकते हो, बस ये है कि इसमें ज़्यादा, इस वाले में आपको ज़्यादा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और ऐसा क्यों मिलेगा आपको पता है, बिकॉज आप इसके पैसे दे रहे हो, ठीक है, ये पेड होता है। वेयर एज आर जो है वो फ्री है, इसीलिए यार आर ज़्यादा डोमिनेंट में है। अब बिना टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं।